चैनल प्लीज मेक शोर टू सब्सक्राइब दी चैनल आउ विल बिगिन द वीडियो आज के सेशन में हम अपने कन्वेक्स लेंसेज के रे डायग्राम डिस्कस करेंगे छह डायग्राम्स होते हैं इसके काफी सिंपल है अगर आप वो रूल्स लास्ट वीडियो में मैंने तीन रूल्स बताए थे अगर वो समझ के आए हो बेसिक्स भी उसमें मैंने लेंस का क्लियर कर दिया था अगर वो समझ के आयो तो यहाँ पे बहुत सिंपल लगेगा चलो अब पहला है हमारे पास कन्वेक्स लेंस में अच्छा ये या, ये तो याद है ना कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आर मिरर में जो हमने करे थे ना अपने छह तो बेसिकली सब सेम ही है चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है एट इन्फिनिटी अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो कैसे रे ऑफ लाइट कैसे आती है ये, की ये ले ली हमने एक यहां से ये ले ली दो ले लेते हैं काफी है सो so, इस तरीके से पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, एंड ये हमारी क्यों एस अच्छा, एस में एरो लगाते हैं क्योंकि ये हमारी लाइट्स पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये क्या होंगी आगे फोकस से पास होगी फोकस से का पास होगी मतलब ये लाइट यहां से इस तरीके से एंड देन ये लाइट आई इस तरीके से फोकस से पास हो गई सो so, यहाँ पे ये इस तरीके से रे डाय बनेगा आप और जितनी चाहो यहाँ पे बना सकते हो सारी फोकस से ही पास होंगी नाउ कम्सन रेग्राम रे डाय हमेशा हम यहाँ पे तीन चीजें बताते हैं लास्ट में कौन कौन सी तीन चीजें एक तो बता दो पोजिशन कहाँ है इमेज की देन वॉट इज दचर ऑफ इमेज एंड देन वॉट इज दाइज ऑफ इमेज So, अगर साइज की बात करें वो तो बहुत क्लियर दिख रहा है बिल्कुल पॉइंट साइज हमारी जो है वो इमेज बनेगी तो हम इसको लिख सकते हैं हाईली डेमिनिस्ड सो आ गया हमारा डिमिनिश्ड एंड अगर हम बात करें पोजिशन की तो ये क्या होता है यहाँ पे हमने लेबल ले लिखा हुआ दिस इज एफ वन दिस इज टॉयज़ ऑफ एफ वन ये हमारा एफ टू होता है दिस इज टोइज ऑफ एफ टू तो इमेज कहां बन रही है एट एफ टू एंड देन नेक्स्ट नेचर अब नेचर क्या है देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका क्या नेचर होगा अब अगर हम मिरर से कंपेयर करें मिरर के केस में हम क्या बोलते थे कि अगर यहाँ पे इस तरीके से आपका मिरर है और इमेज यहाँ कहीं बन रही है तो हम बोलते थे बिहाइंड द मिरर यहाँ पे इमेज बन रही है तो वो क्या होती थी वर्चुअल एंड बस इस केस में लेंस है हमारे लेंस के सामने ही तो इमेज बचेगी क्योंकि यहाँ पे तो पास थ्रू होती है सो so लेंस के सामने ही इमेज बन रही है दैट मीन्स ये इमेज हमारी रियल एंड इनवर्टेड है ठीक है क्योंकि ये हमारा इन्फिटी वाला इसमें इमेज का साइज बहुत छोटा है इसलिए इनवर्टेड दिख रहा है तो हम रियल से ही कह देंगे कि ये है बाकियों में आपको दिख जाएगी कि इमेज उल्टी बन रही है मतलब इनवर्टेड और रियल इन्वर्टेड हो जाएगी एंड अगर इरेक्ट बन रही है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा ठीक है ना सो आई होप दिस इज क्लियर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम है हमारा बियॉन्ड टू एफ अब टू एफ पहले तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज आर एफ वन दिस इज टोइ ऑफ एफ वन ये है हमारा F2 F2. So, ये टू एफ टू एंड दिस इज टोइन एफ के साथ टू नहीं है मतलब ऑफ मतलब इसके भी बियॉन्ड है इमेज यहाँ पे इमेज बना लेते हैं पहले अपनी ये लिया हमने एंड ये हो गई हमारी इमेज ठीक है टू एफ के भी बियॉन्ड है जैसे उसमें था ना बियॉन्ड सी वैसे वाला सीन है सो so, जी अब इसमें क्या करते हैं हम पहली रे ऑफ लाइट कहां से भी इसने इसकी टिप से यहाँ तक ठीक है अब ये जाएगी कैसे पहले तो एरो लगा लेते हैं So, यहाँ पे इस तरह से हमारी आई इंसिडेंट रे अब ये हमारी क्या करेगी फोकस से पास होती हुई जाएगी मतलब ये रे हमारी यहाँ से बेंड के इधर से ऐसे निकल जाएगी ऑल्सो एरो दे देंगे कि ये रिफ्रेक्टेड रे हमारी इस तरीके से निकल गई ठीक है इसके बाद सेकंड क्या करेंगे उसमें तो हम क्या करते थे कन्वेचर से पास करते थे यहाँ पे हम अपने

यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे को क्या क्या चाहिए होता है पोजीशन साइज एंड नेचर सो पोजीशन कहाँ है बिटवीन F2 टू एंड टू एफ टू सो इमेज की पोजीशन है between F2 and 2F2. Here, next size कितना है इसका देखो ओरिजिनल से अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको फिर से इधर कर देती हूँ अब इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था और अगर हम इसकी बात करें तो इस ऑब्जेक्ट से ये छोटी बन रही है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सिर्फ डिमिनिश लिखेंगे नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें तो दिख रहा है उल्टी इमेज बन रही है ऑल्सो हमने बात किया था लेंस के पास थ्रू के इधर बन रही है मतलब ये एक रियल इमेज है सो ये आ जाएगा रियल एंड इनवर्टेड ठीक है क्लियर यहां तक आगे बढ़ जाए नेक्स्ट है हमारे पास एट टू एफ अब अगेन इसकी लेबलिंग कर लेते हैं ये होता है हमारा एफ वन ये होता है हमारा टोआइज ऑफ एफ वन दिस इज एफ टू एंड दिस इज टूज ऑफ एफ टू सो यहाँ पे बोला टोआइज ऑफ एफ मतलब इसके ऊपर सो so, यहाँ से हमने लिया अपना एंड ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इधर से इस तरीके से ठीक है पहली रे कैसे जाएगी हमारी उसको बंद करते हैं यहाँ से इस तरीके से हमने भेजी यहाँ तक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा आगे फोकस से पास होती हुई वो ऐसे करके निकल जाएगी एरोज लगा देते हैं साथ की साथ ये आई हमारी इंसिडेंट रे एंड ये इधर जाके रिफ्रेक्टेड रे हमारी यहाँ से निकल गए ठीक है पहली चीज होगी दूसरी क्या करते हैं हम अपना ऑप्टिकल सेंटर से अगेन इसकी टिप से पकड़ा और ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करा दिया यहाँ पे इस तरीके से ठीक है क्लियर अगेन यहाँ पे वो लगा लेते हैं ऐसे आई है और यहाँ से इस तरीके से निकल गई अब यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है हमारी इमेज बन रही है इधर क्लियर आपको दिख रहा है टू एफ टू पे हमारी इमेज क्रिएट हो रही है एंड कैसी इमेज है इनवर्टेड इमेज बन रही है सो so, यहाँ पे अपनी तीनों चीजें लिख लेते हैं हमें बताना है नेचर एंड साइज और पोजीशन। सो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या है इसका इधर बन रही है इनवर्टेड है रियल एंड इनवर्टेड सो नेचर हो गया रियल एंड इनवर्टेड नेक्स्ट साइज अब इसका जो हमने साइज लिया था अपना ऑब्जेक्ट का साइज जो लिया था थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं ऑब्जेक्ट का जितना साइज लिया था उतना ही हमारा इमेज का साइज है तो अगेन सेम साइज ठीक है देन हम बात करेंगे पोजीशन की तो कहाँ पे बनी है एड टू एफ टू क्लियर समझ में आ गया तीनों चीजें आगे बढ़ते अब देखो इसमें रटने वाली कोई चीजें सेम सामने हमें दिखी रहे बस वही चीज हम लिख रहे हैं आगे नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन एफ एंड टू एफ बिटवीन टू एफ एंड एफ सो यहाँ पे अगर हम लिखें, इज टोईज ऑफ एफ टू सो अब इस केस में वो बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है सो so, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अब क्या करना है लाइट पास करेंगे सो पहली लाइट गई यहां से यहां तक पैरल टू आर प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है एरो बना देते हैं इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है ना चलो कोई बात नहीं अब यहां से यूं गई अब क्या करेगी फोकस से पास होती हुई जाएगी मतलब इस से यहां इस पॉइंट से 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 पे तरीके ये फोकस से पास होगी एंड एरो लगा देते हैं लाइक दिस ठीक है क्लियर पहली चीज हो गई दूसरा हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी मतलब इस पॉइंट से ओ से पास करते हुए हम इसको निकाल देंगे So, ये यह पे इस तरीके से कहा जाके मीट हो रही है टू एफ टू के भी आगे उस वाली को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे इसको आ गया इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ये जो हमारी एफ से पास होती ताकि हमें दिख जाए क्लियर कहाँ बन रही है एंड यहाँ पे हमारी इस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है और दिख रहा होगा आपको ये साइज और उस साइज में डिफरेंस ये छोटा है एंड इमेज का साइज बड़ा है तो तीन चीजें लिख लेते हैं साइज नेचर एंड पोजीशन तो साइज एनलार्ज्ड है सो so, साइज हो गया एनलार्ज नेचर क्या है इन्वर्टेड है रियल इन्वर्टेड होगा रियल रियल एंड इन्वर्टेड ठीक है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना अगर आपको रियल समझ में आ गया रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इन्वर्टेड दिख गया तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आएगा इसी तरीके से वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट होगा इरेक्ट है तो साथ में वर्चुअल होगा ठीक है पोजिशन कहाँ है बियॉन्ड एफ टू सॉरी टूज ऑफ एफ टू ठीक है क्लियर कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा एट एफ अब अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखे तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं ये एफ है दिस इज टॉयज ऑफ एफ दिस इज आर एफ और ये है हमारा टॉयज ऑफ एफ अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने को बोला है F1 पे मतलब हमारे फोकस पे यहाँ पे रख दिया हमने पहली लाइट कैसे पास होगी पहली लाइट की रे आई इस तरीके से यहाँ पास हो गई एंड ये हमारी फोकस से क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाएगी सेकेंड लाइट हम क्या करते हैं यहाँ से ओ से पास कराएंगे सो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो आपको दिख रहा है क्या हो रही है ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही लेकिन आपको दिख रहा होगा एक दूसरे के पास पास आ रही है पैरेलल भी नहीं है अगर मैं इन दोनों को कोशिश करके देखते हैं बहुत ज्यादा हम एक्सटेंड करें इधर भेजते हैं इसको यहाँ से क्योंकि यहाँ पे तो मैं कर सकती हूँ ना तो ये हमने ये लाइन पकड़ी पहले इसको एक्सटेंड किया ऑप्टिकल सेंटर से नहीं हिलानी ये मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर ली एंड अगर हम इसकी बात करें इसको पकड़ के अगेन फोकस से नहीं हिलानी तो आपको दिख रहा होगा पास पास आ रहे हैं और बहुत आगे तक जाके कहीं मतलब इन्फिनिटी पे जाके ये लोग आपस में मीट कर जाएंगे और जब इन्फिनिटी पे मीट करेंगे तो इमेजिन करो साइज कितना बड़ा बनेगा इमेज का समझ रहे हो ये चीज सो so, यहाँ पे अगर हम उन तीन चीजों की बात करें तो क्या क्या है एफ लिख सॉरी मैंने फोकस नहीं हमें बताना है साइज एंड नेचर सो साइज बता देंगे पोजीशन बता, बता देते हैं और नेचर बता देते हैं नेक्स्ट पोजीशन कहा है इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेगी सो so ये हो गया इन्फिनिटी एंड नेचर क्या है रियल और

ऑब्जेक्ट है ठीक है सो कोई बात नहीं स्टार्ट कर देते हैं पहला हमारी रे ऑफ लाइट पैरल जाएगी पैरल जाएगी तो हम किस तरफ निकालेंगे इसको फोकस से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगी करेक्ट एरो लगा लेते हैं सो so, ये लाइट इस तरीके से गई हमारी और रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ से ऐसे निकल गई ठीक है पहला हो गया दूसरी हमारी कैसे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सो so, ये देखो यहाँ से इस तरीके से निकल रही है अब अगेन दिख रहा है हमें ये मीट तो नहीं कर रहा एरो लगा देते हैं एरो लगाना जरूरी है अगर मैंने किसी रे डायग्राम में एरो नहीं लगाया तो प्लीज आप लगा लेना ठीक है एरो लगाना जरूरी है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको लगेगा मैम ये तो सेम ही हो गया फिर जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे जैसे मैंने लास्ट वाला किया मैं फिर से करके दिखा देती हूँ अगर हम इसको ध्यान से देखें और मैं कहूं कि चलो इसको एक्सटेंड करते हैं सो ये फोकस से इस तरीके से एक्सटेंड होता रहेगा एंड इसको अगर हम ऑप्टिकल सेंटर पे ही रखते हुए एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होता रहेगा सो so, हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये लाइंस पास आने की जगह इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है मतलब ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे इनके पास पास ये मीट नहीं करेंगे सो so, इसका क्या मतलब है कि कोई इमेज नहीं बनेगी इसमें नहीं इमेज बनेगी लेकिन कैसे बनेगी इधर इस तरफ अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे अब देखो कैसे एक्सटेंड करेंगे अगेन ये अपनी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं आप आपको बेसिकली स्केल रख के डॉटेड लाइन से आगे लेके जाना बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए इसी को ही रख के आगे एक्सटेंड करी ऑप्टिकल सेंटर वाली है ये ठीक है ओ से भी नहीं हिला रही ऑब्जेक्ट के ऊपर से भी नहीं इतनी मैंने एक्सटेंड कर दी सिमिलरली ये वाली ली जो हमारी फोकस से पास हो रही थी इसको भी ऐसे स्ट्रेच कर दिया फोकस पे भी ध्यान रख रही हूँ मैं और यहाँ से भी पास हो रही है ध्यान रख रही तो हमें दिख गया यहाँ पे इनका एक मीटिंग पॉइंट मिल गया थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं अगर ये वाली को सो so, हमें और अच्छे से अपना इंटरसेक्शन पॉइंट दिख पाएगा मतलब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे कहीं बन रहा है पेन ले लेते हैं सो हेयर समवेयर इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है तो इमेज इस तरीके से बनेगी मतलब लेंस के उस तरफ नहीं इमेज बनी है इस बार लेंस के इस तरफ सो so, अब जब हम इसकी पोजीशन वगैरह लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं पोजीशन साइज एंड नेचर सो पोजीशन क्या है बियॉन्ड टू एफ वन है लेकिन क्या लिखेंगे इसको सेम साइड ऑफ लेंस बियॉन्ड टू एफ वन एंड साथ में मेंशन करना पड़ेगा सेम साइड ऑफ लेंस सेम साइड ऑफ द लेंस एंड साथ में साइज बताने में दिखी रहा है साइज कैसा बनेगा एन लार्ज बने गएली एंड लार्ज भी लिख सकते हैं कैसे बन रही थी इस केस में यहाँ पे ये erect बन रही है Also lens की इसी side पे है which means ये हमारी virtual image है So we'll write virtual and erect. आई होप दिस इज क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा सो so, ये सिक्स आगे हमारे कनकेव के हो जाएंगे ये अभी हमारे सिक्स रे डायग्राम से कन्वेक्स मिरर के अगर कोई भी दिक्कत है पहले तो वीडियो को प्लीज आप दोबारा देखना आपको क्लियर हो जाएगा मैंने कोशिश करी है बहुत आराम आराम से और सिंपल वे में आपको समझाऊं सो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अब हम आएंगे अपने कनकेव लेंस के रे डायग्राम पे इसके दो ही हैं बट वील टेक दैट इन दी नेक्स्ट सेशन सो आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय